नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में BTC ANM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रही है आगे देख लीजिए। दोस्तों बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTC ANM 10709 महत्वपूर्ण वीडियो काउंसलिंग की चाह रखने वाले NM वाहन को मिल सकता है खुशखबरी। एक बार फिर आयोग पहुँचा फाइल, कैबिनेट में होगा बड़ा फैसला। तो दोस्तों यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो BTC ANM 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रही है, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। विभाग की तरफ से BTC ANM 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ रही है। हमारे सभी NM बहन को खुशखबरी मिल सकती है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आप लोग के दीवान पे PSC की क्लासेज के द्वारा एक कदम सफलता की ओर NM बहन के लिए देख लीजिए 10709 पोस्ट के लिए स्पेशल बैच लेके आ गए हैं, जो कि ये बैच के नाम रखे हैं सफलता बैच। लेटेस्ट BTSC फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको, थ्योरी प्लस PDF नोट्स, VVI MCQ ऑनलाइन क्लास आपको व्हाट्सएप पे या रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और पर डे आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा और पर डे आपको PDF मिलेगी, जो कि बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। अभी दुर्गा पूजा की ऑफर चल रही है तो 149 रुपया में यह बैच आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट बैच परचेज कीजिएगा 100% आपका एक सीट कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट BTSC द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाया जाएगा और एक दिन में 3-4-5 वीडियो आपको मिलेगी और टेस्ट देने का मौका मिलेगा। क्योंकि कितना भी आप तैयारी कर लेते हैं, अगर आप टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका तैयारी कैसा है। इसलिए जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट परचेज किया है, क्योंकि शुरू से PSC की क्लासेज पे सभी स्टूडेंट को विश्वास है, इसीलिए काफ़ी संख्या में स्टूडेंट परचेज किया है। आप भी परचेज कर लीजिए, क्योंकि यह 1 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण क्या अपडेट निकल के आ रही है हमारे NM बहन के लिए। तो दोस्तों जिसको भी परचेज करना है, सभी स्टूडेंट 149 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ, आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिए, आपको एक स्क्रीन पर एक पेपर दिखता होगा जिसमें देख लीजिए दिसंबर में होगी 10,000 NM की नियुक्ति, परीक्षा इस माह के अंत तक आएगी तारीख। तो दोस्तों इस सप्ताह में आज आपको देख लीजिए 23 अक्टूबर हो गया, 30 अक्टूबर तक आपको विभाग के तरफ से देखने को मिल जाएगा। 30 अक्टूबर तक ध्यान समझ लीजिए, 30 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम होगा या काउंसलिंग के आधार पर वैकेंसी क्लियर किया जाए, क्योंकि जो BTSC वाला फाइल है वह अभी विभाग के पास पहुँच चुकी है और विभाग जो कैबिनेट में फिर से अभी 30 से पहले कैबिनेट बैठक होने वाली है, उसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा जो BTSC ANM 10709 पोस्ट में वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर किया जाएगा या एग्ज़ाम के आधार पर, क्योंकि सरकार भी बार बार सोच रही है, क्योंकि आगे चुनाव आ रही है आपको ही पता है, इसलिए अपना चुनावी एजेंडा खड़ा करने के लिए फिर से बीच में एक कैबिनेट बैठक होगी, जो कि यही 30 से पहले कैबिनेट बैठक होगी, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंतिम निर्णय के बाद जो काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर होगा या एग्ज़ाम के आधार पर, उसके बाद ही और विभाग भी इस देखिए 30 तारीख तक आपको एग्ज़ाम डेट रिलीज कर देगा, जो कब हम एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम एक दिन चलने वाला नहीं है, कम से कम 10 से 15 दिन एग्ज़ाम चलेगा। CVT एग्ज़ाम है आपको ही पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको कंप्यूटर पर एग्ज़ाम लिया जाएगा, और देख लीजिए पटना, मुजफ्फरपुर, आरा और छपरा में इसका सेंटर होगा। इतना ही जो है, चार ही डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर होगा, दूसरा जगह आपका सेंटर होने वाला भी नहीं है, इसीलिए कम से कम 15 दिन यह एग्ज़ाम ऑनलाइन चलने वाला है। तो देख लीजिए कैबिनेट बैठक में क्या अपडेट निकल के आती है, क्योंकि यही बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अभी हमारे NM बहन जो संविदा पर है उन लोग के लिए एक और उम्मीद जगी है। अब कैबिनेट में फाइनल फैसला क्या लिया जाएगा उसके बाद ही हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी विभाग के पास फाइल पहुँच चुकी है हमारी NM बहन वाला और विभाग सरकार को कैबिनेट बैठक में सौंपेगी। तो इसलिए देख लीजिए कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अपडेट निकल के आती है। तो इस महीना में आपको यह एक सप्ताह बचा हुआ, एक सप्ताह में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा BTSC के द्वारा, जो कब कब हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। और दूसरी बात है, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जो CWJC नंबर का क्या हुआ, तो दोस्तों हम पहले बता दिए हैं जो CWJC नंबर अभी कोर्ट बंद है, कल कोर्ट ओपन हो रही है, कल 24 तारीख है, कल से कोर्ट ओपन हो रही है, तो आपको
देखने को मिल जाएगा, दो तीन दिन में आपको CWJC नंबर देखने को मिल जाएगा। और 100% अभी तक हम आपको बताते हैं, अभी तक तो यही चांस है 100% आपको एग्ज़ाम होगा। अब कैबिनेट बैठक में क्या फैसला निकल के आती है वो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज फिर से फाइल विभाग को सौंपा गया है। ध्यान समझ लीजिए, फिर से फाइल जो है विभाग को सौंपा गया है, या फाइल कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा जो क्या करना। बट अभी तक तो 100% यही चांस है जब आपको एग्जाम के आधार पर वैकेंसी क्लियर किया जाए, क्योंकि हमारे NM बहन को 60 साल के लिए संविदा पर ही उन लोग को राज विस्तारित कर दिया गया है। तो बचा स्टूडेंट अभी कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए एग्जाम के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर किया जाएगा। खैर, अंतिम निर्णय तो आपको कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा, तो उसमें क्या कुछ अपडेट निकल के आती है तो फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी फाइनल आपको जो भी कैंडिडेट है BTC ANM 10709 पोस्ट के लिए, फाइनल आपको तो एग्जाम के आधार पर ही वैकेंसी क्लियर किया जाएगा। अगर काउंसलिंग होती भी है, ध्यान से समझिए, अगर काउंसलिंग होती भी है तो वह संविदा NM के लिए काउंसलिंग होगी, न कि स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए, ओनली फॉर कैंडिडेट के लिए या आपको काउंसलिंग नहीं होगी। इसलिए सभी स्टूडेंट अभी सफलता बैच अभी लॉन्च कर दिए हैं, आप लोग परचेज कर लीजिए, 149 रुपया मिल रही है। अभी दुर्गा पूजा का ऑफर है जो कि अब 25 तक ऑफर चलने वाली है, उसके बाद आपको 249 रुपया उस बैच का दाम हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट फटाफट परचेज कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर से बैच स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, अभी जो अपडेट निकल के आ रही है वही अपडेट हम आपके अभी शेयर किए, कैबिनेट बैठक में फुली क्या फैसला निकल के आती है। अगर काउंसलिंग होगी तो सिर्फ ओनली फॉर, ध्यान से समझिए, काउंसलिंग होगी सिर्फ ओनली फॉर NM बहन सबको होगी जो संविदा पर कार्य है, और कैंडिडेट का आपको 100% एग्जाम ही देना पड़ेगा, जो नया कैंडिडेट है या पुराना कैंडिडेट है। तो इसलिए आप लोग सफलता बैच परचेज कर लीजिए, और वहां से जो भी स्टूडेंट सफलता बैच परचेज कीजिएगा, 100% आपको एक सीट रिजर्व हो जाएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करेंगे हम लोग, 100% आपको तैयारी करवाएंगे ताकि आपका एक सीट रिजर्व हो जाए। तो दोस्तों, अभी जो अपडेट निकल के आ रही सारी जानकारी हम आपके अभी शेयर किया है, होप कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करा और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।